धर्मशाला का रजत वीरवार को घर से आशीर्वाद लेकर निकला होगा। धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी कि उसकी महीनों की तैयारी अब रंग लाने वाली थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि नौकरी के लिए जो वह दौड़ लगाने जा रहा है वह कभी पूरी न होने वाली दौड़ साबित होगी। 22 साल के रजत ने नौकरी के लिए जो दौड़ लगाई उसने उसकी जिंदगी छीन ली। कांगड़ा जिला के ज्वाली का रहने वाला रजत पुलिस की भर्ती में हिस्सा लेने आया था। तय कार्यक्रम के तहत दौड़ लगानी थी। रजत ने भी दौड़ लगाई, लेकिन दौड़ने की थोड़ी देर बाद वह जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। धर्मशाला अस्पताल लाए जाने पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट दिनेश महाजन ने युवक को मृत घोषित कर दिया। हालांकि मौत की वजह क्या रही अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। डॉक्टर महाजन ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। वहीं कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक रमेश छास्टा के मुताबिक युवक की दौड़ के दौरान ही मौत हो गई थी। हालांकि उनके मैदान में गिरने के साथ ही मौके से पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल में पहुंचा दिया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वहां मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक रमेश छास्टा ने बताया कि शाम करीबन 6 बजे के करीब 1500 मीटर की दौड़ शुरू हुई, जिसके कुछ देर बाद ही रजत लड़खड़ाकर मैदान में गिर पड़ा। उसे तुरंत धर्मशाला अस्पताल ले जाया गया, वहीं डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए टांडा अस्पताल भेज दिया गया है। एक बहुत ही दुखद घटना है कि वो जब अपना 1500 मीटर की रेस लगभग पूरा करने वाला था, ऑल ऑफ सडन उनके जो है कदम लड़खड़ा गए और बच्चा एकदम से बैठ गया। जब बैठने के बाद हमें लगा कि वो एक अचेत अवस्था में आ गया, तुरंत उसे जो है हॉस्पिटल के लिए इवैक्यूएट किया गया और हम 4 मिनट के समय में, लगभग 3-4 मिनट में ही वहां से बिल्कुल हमारे नजदीक हॉस्पिटल है। जैसे हम हॉस्पिटल पहुंचे, ये 4:20 की बात है, और 4:25 पे हॉस्पिटल पहुंचे तो जो वहां पे ड्यूटी पे मेडिकल ऑफिसर थे उन्होंने उसे जो है ब्रॉड टाइप्स जो है खुशी क्या है इस पर मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। आज बच्चे के डेड बॉडी को जो है IGMC में टांडा में कीजिए डॉक्टरों की टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया गया है, वो कारण बताएंगे मौत का। लेकिन जितना कर मैं एक जिला के पुलिस अधीक्षक होने के नाते जो मेरी जिम्मेवारी थी, मैंने जो डॉक्टर से डिस्कस किया तो डॉक्टर्स का कहना है कि दिस इज अ मेडिकली नॉन फिनोमिना जो कि एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन के साथ हो जाता है, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि एक बच्चे के जो है हमारी नजरों के सामने भर्ती के दौरान इस दुखद मौत का शिकार होना। वहीं मेडिकल अधीक्षक दिनेश महाजन ने बताया कि जब रजत को अस्पताल लाया गया था तो उसकी मौत हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि उसके बाद शव गृह में रखा गया था। जब यहाँ पे हॉस्पिटल में ले गए तो उस टाइम डॉक्टर ड्यूटी पे थे, उन्होंने चेक किया उसको, तो उस टाइम तक उसकी डेथ हो चुकी थी। वो ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया उसको, उसकी ना तो बीपी उसका रिकॉर्ड और ना पल्स और ECG फ्लैट थी उसकी, उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। और जो बॉडी थी वो पुलिस वालों को हैंड ओवर कर दी गई पोस्टमार्टम के लिए। थैंक यू सर।